डॉल्फी टेलीफोन DTPN0015, ये जो पूरा टेलीफोन है कॉर्डलेस टेलीफोन है, जो रिसीवर होता है उसके साथ कोई वायरलेस है, कॉर्डलेस है मतलब वायर कोई कनेक्शन नहीं होता है। इसके साथ में हमने दिया हुआ है पावर एडाप्टर। और अभी इस फोन को हम कैसे वर्किंग करता है वो हम आपको दिखाते हैं। इस टेलीफोन में हम क्या करेंगे, पावर एडाप्टर के जरिए पीछे की तरफ हम देखेंगे तो यहाँ पर पावर सप्लाई देना है, जो हमारा एडाप्टर के पिन है उसको यहाँ कनेक्ट कर देना है। ओके, उसके बाद हमारा जो इंटरकॉम का कनेक्शन रहता है वो कनेक्शन भी ये पीछे की तरफ दे देना है। ओके, इंटरकॉम का कनेक्शन और पावर एडाप्टर का पावर दोनों देने के बाद हम देख लेंगे। यहाँ पर रेड लाइट हुई जैसे प्लेस करके और वॉल्यूम भी आ रहा है, तो हमारा जो है बैच है वो इंटरकॉम से कनेक्ट हो चुका है और हम उसको डायरेक्टली इस बैच को यूज़ कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पर देखेंगे ना तो रिसीवर है वो अलग है। ओके, रिसीवर अभी कनेक्ट नहीं हुआ होगा, क्यों? क्योंकि ओनली बेज कनेक्ट हुआ है। रिसीवर और बेज दोनों को अभी हमें एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमने हमारा ये जो बेज है उसको इंटरकॉम कनेक्शन दे दिया है, पावर सप्लाई दिया थी, तो अभी ये बेज तो कनेक्ट हो चुका है, पर रिसीवर को कनेक्ट करने के लिए बेज और रिसीवर दोनों को एक प्रोसेस है, स्मॉल प्रोसेस हम आपको दिखाते हैं, उसके जरिए हम दोनों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। ओके, अब इस टेलीफोन का एक प्रोसेस है कि बेज के जो बेज का रजिस्ट्रेशन है वो रिसीवर के साथ करना है। एक छोटा सा प्रोसेस है जिससे क्या होगा कि बेज का पावर सप्लाई जो रजिस्ट्रेशन है वो रिसीवर के साथ होता है, वो हम दिखाते हैं। बेज बटन है यहाँ पर, बेज बटन को 6 सेकंड के लिए प्रेस करके रखना है और उसके बाद यहाँ लॉन्ग बीप होगा, तो ताकि इसका मतलब हुआ कि अभी ये बेज मटेरियल है, वो बेज है उसमें पावर कनेक्शन रिसीवर के साथ स्टार्ट होना हो गया है। ओके, हम दिखाते हैं, बेज बटन को 6 सेकंड प्रेस करके रखे थे, लॉन्ग बीप का साउंड आया, इसका मतलब अभी ये रिसीवर है उसके साथ हमारा बेज है उसका पावर कनेक्शन रेडी हो गया। वो हम चेक भी कर लेते हैं, जैसे वॉल्यूम बटन प्रेस करते हैं तो रिंग होती है। ओके ओके, अभी क्या हुआ कि हमने बेज को रिसीवर के साथ पावर कनेक्शन के जरिए हमने रजिस्ट्रेशन के लिए रेडी कर दिया। अभी बेज का जो इंटरकॉम कनेक्शन है उस इंटरकॉम कनेक्शन को हमें रिसीवर के साथ कनेक्ट करना है, तो उसका एक दूसरा प्रोसेस है वो हम आपको दिखाते हैं। वो प्रोसेस है, नॉर्मली क्या होता है कि जो होल्ड बटन है उसको प्रेस करके रखना है, शॉर्ट बीप होगा, उसके बाद 2 टाइम हैज 2 टाइम स्टार, उसके बाद फिर से होल्ड बटन प्रेस करके रखना है और लॉन्ग बीप होगा, तो इसका मतलब अभी हमारा रिसीवर है बेज है वो रजिस्ट्रेशन के लिए रेडी हो गया है। ओके, उसके बाद हमें क्या जाना है रिसीवर में, सेम प्रोसेस रिसीवर के जो कीपैड है उसमें प्रोसेस करना है, होल्ड बटन प्रेस करके रखना है, शॉर्ट बीप के बाद 2 टाइम हैज 2 टाइम स्टार, उसके बाद फिर से होल्ड बटन प्रेस करके रखना है, शॉर्ट बीप इसमें होगा, तो इसका मतलब अभी हमारा जो बेज है और रिसीवर के साथ कनेक्ट हो चुका है। हम आपको दिखाते हैं करते हैं। ओके ओके, जैसे ऐसे करोगे लॉन्ग बीप हुआ, मतलब हमारा रिसीवर है जो बेज है और रिसीवर के साथ कनेक्ट रजिस्ट्रेशन के लिए रेडी हो गया। अभी सेम प्रोसेस हम करेंगे ये रिसीवर में, शॉर्ट बीप, ओके, जैसे इसके बाद जैसे हम प्रेस करोगे तो यहाँ पर रेड लाइट हो जाएगी, इसका मतलब हुआ कि हमारा जो रिसीवर है बेज के साथ इंटरकॉम और पावर दोनों में कनेक्ट हो चुका है। अभी रिसीवर में भी हम कॉल पिकअप
कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं, कॉल लगा भी सकते हैं। यहाँ पर 3 1 टच की है उसको सेट भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारा बेज है उसमें 6 1 टच की है उसको सेट कर सकते हैं। बेज में हम ये एसपी के स्पीकर बटन से हम स्पीकर के जरिए भी बातचीत कर सकते हैं और रिसीवर के जरिए भी बातचीत कर सकते हैं। अभी हमारे पास डॉल्फी के 2 टेलीफोन हैं, एक है DTPN0015 और एक है DTPN0018। ये DTPN0015 है उसके साथ हमारा बेज है जिसमें कीपैड दिया हुआ है, उसके बाद रिसीवर है जिसमें भी कीपैड दिया हुआ है। उसके बाद हमारा DTPN18 है उसमें ओनली बेज है जिसमें कोई कीपैड वगैरह नहीं है और रिसीवर है उसमें कीपैड है। बेज किस लिए है? ओनली फॉर पावर सप्लाई के लिए। ओके, तो सबसे पहले क्या हमने आपको दिखाया उस हिसाब से DTPN15 है उसको क्या करना होता है कि हमें एडाप्टर के जरिए पावर सप्लाई देना है और इंटरकॉम का हमें कनेक्शन दे देना है। तो क्या होगा कि ये बेज में इंटरकॉम और पावर सप्लाई आ गया। अभी हम रिसीवर में पावर सप्लाई और इंटरकॉम कनेक्शन देने के लिए एक प्रोसेस हमने दिखाया था कि सबसे पहले प्रोसेस है पेज बटन को 6 सेकेंड प्रेस करके रखना है, लॉन्ग बीक का साउंड आएगा, उसका मतलब हमारा जो ये पावर कनेक्शन है ये रिसीवर के साथ कनेक्ट हो चुका है, जो देखने के लिए हमें रिसीवर को उठाना है और ये बटन प्रेस करोगे वॉल्यूम का तो एक साउंड रिंगटोन सुनाई देगी, उसका मतलब हमारा पावर कनेक्शन सक्सेसफुल हो चुका है। उसके बाद इंटरकॉम का कनेक्ट जो रजिस्ट्रेशन करवाना है तो इसका एक प्रोसेस है, होल्ड बटन है उसको प्रेस करके रखना है, शॉर्ट बीप होगा, उसके बाद 2 टाइम हैज 2 टाइम स्टार, फिर से होल्ड बटन प्रेस करोगे तो लॉन्ग बीप होगा। तो इसका मतलब हुआ कि हमारा बेज है वो इंटरकॉम कनेक्शन के लिए रेडी हुआ है, रजिस्ट्रेशन के लिए रेडी हुआ है रिसीवर के साथ। उसके बाद क्या करना है, रिसीवर को उठाना है, उसमें सेम प्रोसेस होल्ड बटन प्रेस करके रखना है और यहाँ पर सुनना है, एकदम शॉर्ट बीप होगा, उसके बाद 2 टाइम हैज 2 टाइम स्टार, फिर से होल्ड बटन प्रेस करके रखना है तो छोटा सा शॉर्ट बीप होगा। उसके बाद क्या हुआ कि हमारा बीप होने के बाद बेज और रिसीवर एक दूसरे के साथ इंटरकॉम कनेक्शन रेडी हो चुके हैं। उसको 10-15 सेकेंड के बाद देखेंगे तो यहाँ पर रेड लाइट ब्लिंक होगी, जैसे स्पीकर प्रेस करोगे या होल्ड। ओके, तो यहाँ पर रेड लाइट ब्लिंक होगी, उसका मतलब हुआ कि हमारा जो बेज है और रिसीवर के साथ कनेक्ट हो चुका है। अभी एक प्रोसेस पूरी हुई, अभी हमारे पास क्या है कि ये जो DTPN18 है, जो 18 फ़ोन है उसको हम सिंगल यूज़ नहीं कर सकते, उसको यूज़ करना है तो हमें 15 का ज़रूरत रहेगा, क्योंकि ये बेज है इसके साथ हम इंटरकॉम कनेक्शन क्लोन कर सकते हैं दोनों फ़ोन को। वो कैसे करना है, सेम एज इट इज प्रोसेस है, जैसे कि हमने 15 को बेज को इंटरकॉम कनेक्शन दिया, उसके बाद हमने क्या किया रिसीवर को इंटरकॉम कनेक्शन और पावर कनेक्शन दिया, सेम एज इट इज हम इसके रिसीवर को इसके बेज के ऊपर रख के हम ये प्रोसेस फॉलो करके इसकी बेज के जरिए हमें इसके अंदर हम इंटरकॉम कनेक्शन और पावर कनेक्शन दोनों दे सकते हैं। अभी हम क्या करेंगे कि DTPN15 ऑलरेडी सब कुछ हमने कनेक्ट करके रखा हुआ है, रिसीवर को और बेज के साथ इंटरकॉम और पावर कनेक्शन दोनों। अभी हम DTPN18 है उसके रिसीवर को इसके साथ कनेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, ओके अभी क्या है कि ये ऑलरेडी रजिस्टर है उसको हम ले लेते हैं और उसके बाद DTPN18 का रिसीवर है उसको इसके ऊपर रखते हैं। जो ऑलरेडी ये रिसीवर है ऑलरेडी ब्लैंक है, उसको कोई किसी के साथ रजिस्ट्रेशन किया हुआ नहीं है, तो हमें एक प्रोसेस फॉलो करेंगे इसके साथ रजिस्ट्रेशन करने के लिए। सबसे पहले क्या करना है, पावर सप्लाई देने के लिए क्या करेंगे, सेम एज इट प्रोसेस पेज बटन को 6 सेकेंड के लिए होल्ड करके रखेंगे, लॉन्ग बीप आएगा उसका मतलब इसके साथ पावर कनेक्शन हो चुका है। हम देखेंगे पेज बटन, ओके लॉन्ग बीप हुआ और उसके बाद हम क्या करेंगे इसको देखेंगे, इसमें रिंग हो रही है, इसका मतलब हमारा रिसीवर के साथ पावर कनेक्शन हो गया। अभी इंटरकॉम कनेक्शन को रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसका एक प्रोसेस है वो होल्ड बटन को प्रेस करके रखेंगे, शॉर्ट बीप होगा, उसके बाद 2 टाइम हैज 2 टाइम स्टार, फिर से होल्ड बटन प्रेस करेंगे, लॉन्ग बीप होगा, इसका मतलब हमारा बेज है वो रजिस्ट्रेशन के लिए रेडी है। उसके बाद सेम प्रोसेस हम करेंगे रिसीवर के साथ, ओके।
ओके, हमारा हुआ लॉन्ग बीप हो गया, इसका मतलब हमारा बैज है इंटरकॉम रजिस्ट्रेशन के लिए रेडी हो चुका है। अभी हम रिसीवर में करेंगे कनेक्शन, सेम प्रोसेस, ऑल बटन प्रेस करके रखेंगे। रिसीवर को कान के साथ रखना है ताकि क्या है कि शॉर्ट बीप का आवाज़ आपको सुनाई दे। ओके, उसके बाद हम देखोगे तो यहाँ पर रेड लाइट हुई, तो इसका मतलब हमारा जो बैज है उसके साथ रिसीवर कनेक्ट हो चुका है। तो अभी हम देखेंगे ये बैज के साथ ऑलरेडी एक रिसीवर भी रजिस्टर है और ए रिसीवर भी रजिस्टर है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि ए बैज के साथ ये दोनों रजिस्ट्रेशन है, रजिस्टर है इंटरकॉम के साथ, मतलब ये दोनों फ़ोन एक दूसरे के साथ क्लोन हो चुके हैं। तो अभी अगर कोई इसी नंबर पे कॉल करेगा ए फ़ोन पे, तो ये दोनों रिसीवर में रिंगटोन बजेगी, दोनों में हमें रिंग आएगी। हम आपको दिखाते हैं, जैसे हम अभी इसमें कॉल करते हैं तो आप देखोगे एक साथ दोनों में रिंग बजेगी। इसका अलग है और इसका अलग, दोनों में एक साथ। जैसे कोई एक अगर इसमें हम उठाते हैं कॉल, तो इसमें बंद हो जाएगा ऑटोमेटिक, आप देख सकते हो। ओके, इसमें हम बातचीत कर सकते हैं, जैसे इसको उठा के ग्रीन बटन प्रेस किया तो इसके इसमें अगर बातचीत कर रहे हैं, अगर इसमें बात नहीं करनी है, इसको रख के अगर इसको उठा के इसमें ग्रीन बटन प्रेस करोगे तो डायरेक्टली हमें इसके साथ बातचीत करने लगोगे। एक साथ दोनों में बात नहीं होगी, अगर हमें बात करनी है इसमें बात करनी है तो ये उठा के रिसीवर को ग्रीन बटन प्रेस करके बातचीत कर सकते हैं। अगर सेम एजिटेड अगर इसमें बात करनी है तो एक ग्रीन बटन इसमें प्रेस करोगे तो इसमें बात चालू हो जाएगी और इसमें बंद हो जाएगी। इस हिसाब से हम दोनों में से कोई भी एक फ़ोन रजिस्टर करके बातचीत कर सकते हैं। ये DTPN 15 है, ये जो बैज है उसके साथ हम चार मैक्सिमम चार ये रिसीवर कनेक्ट कर सकते हैं। एक ये इसके साथ आता है वही, और ये DTPN 18 है, वैसे हम तीन अलग और DTPN 18 हम एक ही रिसीवर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। जाकि होटल का रूम अगर है उसके अंदर अलग अलग रूम है, तो मेन रूम में ये फ़ोन है और उसके साथ अलग अलग रूम में ये सब फ़ोन हम रख सकते हैं। तो एक के साथ हम टोटल चार रिसीवर कनेक्ट कर सकते हैं। अभी हमारे पास DTPN 0015, DTPN 0018 और दो रिसीवर जो 18 के हैं, दो रिसीवर मतलब टोटल 1, 2, 3, 4 रिसीवर है और DTPN 15 का फोन है। उसके साथ हमने चारों रिसीवर कनेक्ट कर चुके हुए हैं, रजिस्टर भी कर दिया है, इंटरकॉम रजिस्ट्रेशन भी कर दिया है। तो अभी क्या करेंगे, अभी ये अगर DTPN 15 में कोई कॉल करेगा तो 1, 2, 3, 4 चारों रिसीवर में कॉल रिंग टोन बजेगी, मतलब कॉल आएगा और चारों में से कोई भी एक में हम बात कर सकते हैं, इसमें भी कर सकते हैं, इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी। तो हम आपको वन दिखाते हैं। अभी देखो ये दोनों चार्जिंग में है, पावर कनेक्शन है, इसमें लाल रेड लाइट है, ये विदाउट पावर में है इसलिए लाइट नहीं है। जैसे ही रिंग टोन आएगी तो चारों में लाइट ब्लिंक होगी, हम दिखाते हैं आपको, आप देख सकते हो। एक साथ चारों में रिंगटोन बनने लगी, कोई भी एक हम अगर उठाते हैं तो आप देख सकते हो चारों में हम बंद हो चुका है और रिंग लाइट ब्लिंक हो रही है, मतलब फोन चालू है। ओके, तो और अगर इसमें बात कर रहे हैं तो इसको एक बढ़ा के बात कर सकते हैं, अगर इसमें इसको रख के इसमें बात करना है तो एक उठा के ग्रीन बटन बन प्रेस करोगे तो इससे बात कर सकते हो, अगर इसमें बात करनी है तो ये उठा के ग्रीन बटन प्रेस करोगे तो इससे बात स्टार्ट हो जाएगी और इसमें बंद हो जाएगी, मतलब किसी एक ही टाइम पे किसी एक ही रिसीवर में हम बातचीत कर सकते हैं, पर रिंगटोन जो आएगी वो चारों में एक साथ बजेगी। DTPN 15 जो टेलीफोन है इसके अंदर अगर हमें ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 वन टच की हमें दिए गए हैं, अगर ये 6 वन टच की इसको सेट करना है
तो हम कर सकते हैं। ओके, तो ये से वन टच की है, उसको अगर हमें सेट करना है, जैसे कि अगर हमें 23 नंबर ए वन नंबर की वन टच की में सेट करना है, तो इसका एक प्रोसेस है। सबसे वो प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए हमें क्या करना है, स्पीकर एक बार प्रेस करके फिर से प्रेस कर देना है, मतलब ये फ़ोन को रिफ्रेश कर देना है। उसके बाद हमें क्या करना है, नॉर्मली इसके लिए क्या करना है, जो ये होल्ड बटन है उसको प्रेस करना है, टू टाइम हैज, टू टाइम वन, और फिर से होल्ड बटन प्रेस करके रखना है और लॉन्ग बीप होगा। ओके, लॉन्ग बीप होने के बाद हमें जो नंबर रखना है 23 उसको प्रेस करना है, और जो भी वन टच की सेट रखना है उसको प्रेस करके छोड़ देना है, फिर से लॉन्ग बीप होगा। इसका मतलब हमारा 23 नंबर इसमें वन टच की सेटअप हो चुकी है। हमें देखना है तो हम दिखा के बता दें, स्पीकर में फ़ोन करके जैसे ही वन टच की प्रेस करोगे तो 23 में कॉल लगेगा। ओके, इस टाइप से हम ये 6 वन टच की है उसको हम प्रोसेस कर सकते हैं, सेम एज इट इज़। होल्ड बटन प्रेस करना है, टू टाइम हैज, टू टाइम वन, जो भी वन टच की सेट करना है, 1 2 3 4 जो भी डालना है वो डाल के वन टच की से प्रेस करना है, तो उसका मतलब हमारा वन टच की सेट हो चुका है। सेम एज इट इज़ ये जो रिसीवर है उसके अंदर भी ये ऊपर 3 वन टच की दिया गया है। रिसीवर में अगर वन टच की सेट करना है तो सेम प्रोसेस जो हमने इसमें किया था बेज में, वही रिसीवर में करना है। ऑल बटन प्रेस करना है, टू टाइम हैज, टू टाइम वन, और फिर से ऑल बटन प्रेस करके रखना है, लॉन्ग बीप होगा। ओके, लॉन्ग बीप हुआ, उसके बाद 23 नंबर प्रेस करना है, और जो भी वन टच की सेट करना है उसको प्रेस करना है, तो फिर से बीप होगा। इसका मतलब हमारा ये वन नंबर की वन टच में 23 नंबर सेट हो चुका है, वो हम आपको एक बार स्पीकर में दिखा देते हैं। ओके, इस हिसाब से वन टच की हम इसमें भी सेट कर सकते हैं और इसमें भी सेट कर सकते हैं। अभी इसी टेलीफोन में हमारे पास क्या आता है, रिंगटोन का अलग अलग हमारे पास 10 रिंगटोन्स दिए गए हुए, तो हमारे पास ये टेलीफोन में हम जो भी रिंगटोन रखना चाहेंगे, अलग अलग टाइप की 10 रिंगटोन है, जो जिसमें हाई वॉल्यूम वाली भी है, लो वॉल्यूम वाली भी है, तो अपने एटमोसफियर के हिसाब से अपने टाइप की रिंगटोन है उसमें हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो उसका एक प्रोसेस हम आपको दिखाते हैं कैसे रिंगटोन सिलेक्ट करना है। सबसे पहले क्या करना होता है, इसके लिए क्या करना होता है कि होल्ड बटन प्रेस करना है, टू टाइम एज, 4 0, फिर से होल्ड बटन। तो ये इतना करोगे तो उसके बाद रिंगटोन बजने लगेगा, उसके बाद ये वॉल्यूम प्लस और माइनस है, उससे रिंगटोन हम अलग अलग रिंगटोन को चेंज कर सकते हैं। 10 अलग अलग रिंगटोन है, जो भी रिंगटोन रखना है वो रिंगटोन बजने देना है, जो वो रखना है तो उसको होल्ड बटन फिर से प्रेस करोगे तो वो रिंगटोन सेव हो जाएगी। हम आपको दिखाते हैं, ओके, रिंगटोन बज रही है, तो प्लस और माइनस बटन के हम रिंगटोन चेंज कर सकते हैं। टाइप से अलग अलग काफ़ी सारे रिंगटोन हैं, जैसे कि हमने ये स्मॉल रिंग रखी है, उसके बाद होल्ड बटन प्रेस करोगे तो हमारा ये जो हमने रिंगटोन रखी है वो सेव हो चुकी है। हम इसमें दिखाते हैं कॉल करके, जैसे ही कॉल आएगा तो जो हमने सेट किया हुआ है वही रिंगटोन बजेगी। तो इस हिसाब से इसमें जो हमने सेट की थी वो रिंगटोन बजने लगी। अभी ये हमारे जो DTPN 3000015 में ये 1 2 3 4 रिसीवर कनेक्टेड है,
अगर इनमें से किसी एक रिसीवर को डिसकनेक्ट करना है, ओके, कोई एक रिसीवर को डिसकनेक्ट करना है या सारे रिसीवर को डिसकनेक्ट करना है, तो उसका एक भी एक प्रोसेस है, वो एक सिंपल प्रोसेस। अगर सारे डिसकनेक्ट करना है तो ये बेज यूनिट से हमें डिसकनेक्ट करना पड़ेगा। अगर सिंगल सिंगल करना है तो ये सिंगल यूनिट के अंदर से हमें एक प्रोसेस करके करना है, तो सिंगल यूनिट इस फोन के साथ से डिसकनेक्ट हो जाएगा। तो इसका एक हम प्रोसेस, तो इसमें क्या करना है, सिंपल होल्ड बटन प्रेस करना है 3 times हैज और 7 और फिर से होल्ड बटन प्रेस करना है। इतना प्रेस करने के बाद आप देखोगे तो ये जो है रिसीवर है, ये इसके साथ से, बेस के साथ से डिसकनेक्ट हो चुका है। अभी हमने क्या किया, ये रिसीवर को डिसकनेक्ट कर दिया, बाकी सब अभी कनेक्शन में है, सिंगल यूनिट को हमने डिसकनेक्ट किया। अभी जैसे रिंग आएगी तो इसमें रिंग टोन नहीं बजेगी, बाकी सब में रिंग बजेगी। हम दिखा दें आपको, आप देख सकते हो इसमें रिंग बज रही है, इसमें बज रही है, इसमें बज रही है, इसमें कोई है नहीं। तो ये हमारा डिसकनेक्ट हो चुका है। हमने क्या किया, सिंगल यूनिट को डिसकनेक्ट किया। अगर हमें एक साथ जितने भी यूनिट, 4 units मैक्सिमम हमने कनेक्ट किए हुए हैं रिसीवर, अगर एक साथ हमें सबको डिसकनेक्ट करना है तो क्या करना है कि जो हमारा बेज यूनिट है उसके अंदर वो जो सेम प्रोसेस हमने इसमें किया है, सेम प्रोसेस करना है। होल्ड बटन प्रेस करना है 3 times हैज, 7 और फिर से होल्ड बटन, और लॉन्ग बीप का साउंड आएगा, और 5-10-15 seconds के बाद ये हमारे जितने भी जो हैंडसेट है वो हमारे बेज यूनिट से डिसकनेक्ट हो जाएंगे।